पैसे मांग रहा हूँ, बोला सेक्स लिए पैसे मांग रहा हूँ, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा, निकल जाओ। क्या थाने का गेट बंद? देखता हूँ क्या हो रहा, क्या कर रहे। जय हिंद सर। यस सर। सर वो टेंशन नहीं, अटेंशन होता है। टेंशन? टेंशन दे रिया तू? जा रिया? टेंशन? टेंशन दे रिया तू? और तू? जी जी जी। कैदी से पैर दबा रिया तू? तू कैदी से पैर दबा रिया? वो भी कुर्सी में बैठा कर? अगर इसने गला दबा दिया तो इसका जवाब कौन देगा? बोलो बोलो। सॉरी सर सॉरी। टेंशन दे रही हो? अपने आप बंदी घर में अपने आपको कैद कर ले, हमें कैद करना ना पड़े। अंदर से कुंडी बंद कर ले, निकलो। टेंशन दे रही तू? पैर दबा रही, कुर्सी पे बैठ के पैर दबा रही, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक ये टेंशन वहां ओंदा हो रहा, ओंदा हो रहा शेख जी हवरदार के थाने में ओंदा हो रहा। अभी देखते हैं। एक सो रिया, एक पैर दबा रिया, एक ओंदा हो रिया, थाने में ओंदा हो रिया। लोग मुजरिम भाई क्या कहेंगे, थाने में ओंदा हो रिया। इसे देखता हूँ थाने में सो रिया, शेख चिल्ली हवलदार के थाने में सो रिया। थाने में फोन, थाने में सेटिंग कर रिया, यानी थाने में फोन। थाने को कबाड़ खाना बना रखा, हलवाई की टेबल, थाने में हलवाई से खाना बनवाते, मौज मस्ती कर रहे। जय हिंद सर। क्या हो रहा है? चलो बैठो, उम्र की शर्म कर रहा हूँ, काम कौन करेगा। सॉरी सर, मैं सब देख लूंगा। कर लेना। ठीक है सर। छोड़ रहा हूँ, ये दूध का प्लांट नहीं है, दूध पी के सो रही हो। ये थाना है थाना, हर मुजरे की वारदात से बच के रहना, सो रही हो, फोन में मत लगे रहना। ठीक है सर, मैं सबको देख लूंगा, सारा काम देख लूंगा सर। होलदार शेख चिल्ली की बात है ये, थाना में बेइज्जती ना हो जा। हाँ सॉरी सर सॉरी। क्या सॉरी? कैदी से पैर दबाते हो, उनसे काम कराते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। सर हमारी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। तुम देश की अर्थव्यवस्था से खेल रहे हो, देश की अर्थव्यवस्था से खेल रहे हो तुम। अर्थव्यवस्था? सर कानून से खेलना। देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा तुम्हें। सर मुझे आगे क्या करना है? मेरे से पूछे करेगा तू? रिटायरमेंट में खड़ा है, पार्टी की तैयारी कर, मोबाइल में लग रहा। चलो गर्लफ्रेंड से बात करो, निकलो। दूर करा जाके और बिगाड़ोगे, हर काम मेरे से बोझे करेगा तू। और तू देश के कानून से खेलेगा, देश के कानून से खेलेगा तू, तेरी इतनी हिम्मत? सर अगर कैदियों से काम नहीं कराया ना तो ये बिगड़ जाएंगे। क्या कहा, वो तो पहले बिगड़े हुए हैं, तू सुधारेगा? तेरे सुधारने का ठेका ले रखा, राजमिस्त्री है तू या पुलिस वाला तू? आप टेंशन ना ले, बैठिए बैठिए, आप बैठिए। क्या कहा, तू हुक्म देगा मुझे बैठने को? तेरे हुक्म से बैठूंगा मैं, तेरे हुक्म से बैठूंगा मैं, हैं? मैं शेख चिल्ली हवलदार हूँ, अपनी मर्जी से बैठूंगा। चलो बैठता हूँ। जानते हो ये अर्जेंट मीटिंग मैंने क्यों बुलाई है? देखो ये बड़े शर्म की बात है, किनापुर थाने में हमारे स्टाफ का कोई भी अफसर जाने को तैयार नहीं है। क्यों? मुझे इसका जवाब चाहिए। सर वो जगलुहार, जानते हो अगर जग्गा लोहार के डर से पुलिस स्टाफ का कोई भी अफसर वहां नहीं जाता तो ये हमारे पुलिस स्टाफ की बुजदिली मानी जाएगी। सर
सर किनापुर थाने में इंस्पेक्टर तुर्रम खां का तबादला हो चुका है, पर वहाँ आज तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। इंस्पेक्टर तुर्रम खां, ये हम क्या सुन रहे हैं? सर किनापुर थाने में इनके बहनोई शेख चिल्ली हवलदार है, लेकिन ये फिर भी वहाँ नहीं जाना चाहते। सर सॉरी सर, मैं कुछ दिनों से बीमार चल रहा था इसलिए नहीं जा पाया, लेकिन ड्यूटी ड्यूटी है, मैं जरूर जाऊंगा सर। गुड, वेरी गुड, आप वहां जाइए। आपको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हर सामान मुहैया कराया जाएगा। ये दोनों मेरे खास आदमी हैं और तजुर्बेकार भी। जी सर। इन्हें साथ ले जाओ, ये आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है सर। जय हिंद सर। जाइए, इनके साथ जाइए। खड़े मुंह देख रहे हो, ये गिलास पानी रखो मेज पे। सर अब तो पानी की जरूरत भी नहीं है, सर्दी है। तुम्हें बताएगा सर्दी है गर्मी है? पानी तो रखना पड़ेगा, हम पिए ना पिए बोलना तो पड़ता है, पानी तो रखना पड़ेगा, पानी रखो। सर वो क्यों? वो इसलिए, वरना तुम भूल जाओगे हमारा साहब कौन है। सर साहब तो हमारे तुर्रम खां है। अबे चुप कर, ऐसे तुर्रम खां कितने आए, कितने चले गए, कितने आ गए? पाग है, उल्लू का बटा है, कल का कच्चा है, अभी बच्चा है, तो अपना काम कर। आपकी बात समझ गए सर। पर सर वो तो इंस्पेक्टर है। अबे चुप कर, होम मिनिस्टर से क्या मैं लगवाया उसे, वरना उसका चपड़ा इसमें नंबर नहीं आता। देख शेख चिल्ली की माया, हमने पलट दी उसकी काया। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। आ गया तू, टाइम हो गया तेरा आने का। सर मुझे ठंड लग गई थी। क्या कहा ठंडी लग गई? चल आराम कर, आराम से लौट, गद्दे लग रहे हैं, सरकारी पैसा खूब लूटो। यस सर। शेख चिल्ली तू यहाँ कैसे बैठा है? तू जूनियर है सीनियर? चल वहाँ पीछे बैठ। जूनियर बोलेगा, जूनियर बोलेगा, साढ़ा तू मेरा साढ़ा, जूनियर बोलेगा तू, तेरी बहन को जूनियर बोल दूंगा। शेख चिल्ली तू ये बता, इस चौकी का इंचार्ज कौन है? तू है जानू, जानू मैं। आगे बोल, आगे बोल। तो तुम मुझे देखकर खड़े क्यों नहीं हुए? तू खड़ा करेगा मुझे, खड़ा करेगा तू मुझे, तू खड़ा करेगा मुझे, तेरी बहन में खड़ा नहीं हुआ मैं आज तक, तेरी बहन में खड़ा नहीं हुआ मैं। एक बार सुन, अगर तू मुझे खड़ा करेगा साला, तू मेरा साला, तेरी बहन में खड़ी कर दूंगा मैं। यू आर राइट सर। यहाँ का टाइम है तेरा, टाइम से बेटर आ जा तू। जब इस चौकी का इंचार्ज मैं हूँ तो तुम्हें पूछने का हक किसने दिया? हक? हक की बात कर रहा तू? साला तू मेरा वादा कर दियो, साला तू मेरा, साला तू मेरा, तेरी बहन का हक छीन लूंगा, सारा हक छीन लूंगा उसका। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, देख मेरे स्टार। स्टार दिखाएगा, स्टार दिखाएगा, घमंड आ गया तुझे, घमंड आ गया तुझे, तेरे जैसे कितने स्टार देखे मैंने, तेरी बहन का स्टार तार दूंगा। कितने आए, कितने चले गए, कितने आने, कितने जाने? ऑफिसर तो ऑफिसर ही है। कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। एक बार सुन ले, ओ जगलवार। हैं? जगलवार? अबे ये क्या कह रहा है तू? शेख चिल्ली क्या बोला, क्या बोला? शेख चिल्ली ना बोल दियो, साला तू मेरा, तेरा जीत जाऊं मैं। शेख चिल्ली ना बोल दियो, वरना तेरी बहन को अधमरा छोड़ दूंगा। ले बैठ जा, तेरी शर्म कर रहा हूं मैं। जाओ तुम लोग अपना काम करो, ये तो पागल है। ठीक है सर। पागल बोलेगा, पागल बोलेगा, साला तू मेरा, तेरे भेड़ो यू मैं, तेरे जी जाऊं जी जा, पागल बोलेगा, पागल कुत्ता काटता है, तेरी बहन का काट खाऊंगा। जा यार, अब एक गिलास पानी तो पिला दे। पानी पिएगा? मेरे हाथ का पानी पिएगा? तेरी बहन को पानी पिला दूंगा। ये कहां फंस गया मैं?
साथ बिगड़ जाएगा। हाँ उतरना है तुझे पता आना, वही रोक दियो स्टॉप पर, रुकसाने पास जा रहा हूँ चैनी के साथ लूंगा। आज तो बहुत बुरा सपना देखा है, कई शेख जी के साथ गलत ना हो जाए कुछ। वह रुकसाना। हाँ शेख जी। क्या बात हो गई, क्या सोच रही है? तुम आ गए शेख जी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, पर तू बतला उबे उबे तो की घबरा रही है। शेख जी लोहार की बीवी हो गए घबरा रही है। शेख जी तुम्हें पता है जग्गा लोहार ने दो आदमियों का मर्डर कर दिया। सही कह रही है। मैं तो पूरे डिपार्टमेंट को बता, मगर तू की डर रही है, पूरे डिपार्टमेंट में कोई नहीं डरता। तुम्हें पता है मैं तो डर गई थी, सुना है जो उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखता है वो उसका मर्डर कर देता है। क्या रिपोर्ट से डर गई तू? हाँ शेख जी। तो ठीक है, तू मत घबरा, हम नहीं लिखेंगे जगलवार की रिपोर्ट। और बोल। ठीक है, और भैया तुर्रम खां से भी कह देना। क्या तेरे भैया तो हम बात करेंगे। माना हमसे सीन आ रहा है, मगर है तो हमसे छोटा आई, उसे तू बात कर। ठीक है शेख जी, भाई से मैं बात कर लूंगी, तुम्हारे लिए मैं खाना लाती हूँ, तुम खाना खा लेना। ठीक है खाना ला। शेख जी लीवी भी होके घबरा रही है, डर रही है, हैं डर रही है, डर रही है। शेख जी लीवी भी होके डर रही है, भैया से बात करवा रही है, वह हमसे छोड़ रहा है, हम तो सीनियर, वो तो बात हम मान लेंगे, वो तो बात कर। मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। मैडम क्या बात है, तुम फूल तोड़ रही हो, तुम तो खुद ही फूल हो। तुझे दिखाई नहीं देता, पागल है क्या तू? दिखाई तो दे रहा, जब तो कुछ कर रहा हूँ। क्या तूने मेरे खिलाफ अखबार में क्या क्या लिखा था जानती है? मुझे कितना नुकसान उठाना पड़ा है। तुझे पता तू कितनी बड़ी गलती कर रहा है? चल मैं तेरे लिए और खबर तैयार करता हूँ, तुझे दिखाता हूँ और खबर कैसे बनती है। छोड़ मुझे। कैसे छोड़ दूँ? क्या बदतमीजी है, छोड़ मुझे। मान जा। आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है। बचाओ, बचाओ। या भागे तो ऐसे जैसे घोड़ी भागे। साहब जी मुझे बचाओ। कैसे कैसे कांप रही है तू, कैसे पसीना पसीना हो रही है, क्या हुआ तुझे? मुझे एक गुंडे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखवानी है? क्या कहा? हमारे इलाके में गुंडे, मवाली, तानाशाही, कौन शिकार, बलात्कार, कौन है वो बुजदिल? वो जगलवार। क्या कहा तूने? हमारी बेइज्जती करने पे तुली है? मैं तो पागल तो नहीं है, हम छोटे मोटे गुंडे पे हाथ नहीं डालते। चल तू अपने घर जाल निकाल, हमारा समय बर्बाद कर रही है। उसने मुझे सरेआम छेड़ा और तुम उसे छोटा मान रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म ही तो कर रहे हैं हम, उसकी बहुत शर्म करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। जा अंदर जा, तुर्रम खां से लिखवा रिपोर्ट। हाँ मैं उन्हीं से रिपोर्ट लिखवा लूंगी, अभी लो। खामोखा भीड़ लगा रखी है थाने में। ठीक है तू ये लावत। अबे कौन है, कौन है, कौन? तू? अबे क्या हुआ तू? मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, वो तुम्हारा हवलदार पता नहीं क्या क्या कह रहा है। वो तो पागल है। तुम उसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? वो मेरा बहनोई है इसलिए कुछ नहीं कहता, नहीं तो उसकी एक दिन में बोलती बंद कर दूंगा। अच्छा जी। अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर दी मैंने। वो तो सिर्फ एक छोटा सा हवलदार है, तू बोल। वो है ना जग्गा लोहार, मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे छेड़ा और मेरा पैन भी छीन लिया। जग्गा लोहार? हाँ। अरे तुझे उससे मिलने की क्या जरूरत थी? मैं क्यों मिलती? पर तू फिकर मत कर। क्यों? मैं तुझे अच्छा सा पैन दिलवा दूंगा। क्या कहा? ठीक है ना? मुझे पैन नहीं चाहिए, उस जग्गा लोहार को पकड़ के बंद करो हवालात में। वो क्या है ना, हम छोटे मोटे केस में पढ़ना नहीं चाहते। उसने मुझे सरेआम छेड़ा और तुम उसे छोटा मोटा बता रहे हो? जाओ मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा चल तो चल, तुम मेरे साथ चल। जा रहा तू अपने साथ कफन में ले जाओ, तुझे बता कबर बना देता जगलवार, जिंदा काट देगा। और तू इस लड़की के प्यारों मर रहा, मैं तेरी बहन के प्यारों नहीं मरने वाला। चुप करो और जग्गा को गिरफ्तार करने की तैयारी करो। क्या तू मुझे धमका के ले जाएगा? तुम्हारे साड़ा मैं तेरे जी जाऊं, जी जा, तेरी बहन को धमका के चला दूंगा। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मानो मेरी बात, सब चलो मेरे साथ जग्गा को गिरफ्तार करने। सीनियर तो मैं भी हूँ, तेरा बहनों ही, तो छोटा हुआ बड़ा हुआ।
हैं? रही साथ चलने की बात, हम भी चलते हैं। जंगल लोहार का दर्शन हम भी कर लेंगे। अभी लाता हूँ सबको बुला के। चलो। ये हवलदार भी पता नहीं क्या क्या गाता रहा। आओ हवलदार, मेरे पीछे पीछे चलो। क्या बोला? क्या बोला? पीछे पीछे आओ। पीछे ले लेगा तू मुझे, तेरी भाड़ को पीछे कर दूंगा। अरे चलो, वैसे ही अंधेरा होने वाला है, ऐसा ही करना जैसा मैंने बोला है कॉन्स्टेबल। ठीक है जी। थाने की सारी एक्टिविटी तू मुझे बताया कर। मैं कुछ नहीं बताने का हूँ। तू नहीं बताएगा? ले, 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 ऐसा बताओ। देखो फंस गया ना जबका हमारे बिछाए हुए जाल में। ऐसे नहीं बताएगा तू मुझे। जा, लोहार को गिरफ्तार कर। मुझे ऑर्डर देगा तू? ऐसे करवाएगा गिरफ्तार? तू मेरा साला है, तू गिरफ्तार कर, नहीं तो तेरे भाई को गिरफ्तार कर दूंगा। ठीक है, मैं ही गिरफ्तार करता हूँ। शेख चिल्ली सर, फंस गया ना अब तू मेरे पिछाए हुए जाल में। अब आया ना पकड़ में। तुझे कौन बचाता है? इंस्पेक्टर जग्गा, हिलने की कोशिश मत करना वरना एक गोली में तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तुर्रम खां, तू यहाँ क्या कर रहा? देखता हूँ तुझे अब कौन बचाएगा। साथियों, गिरफ्तार कर लो इसे। क्या सब गायब हो गए? कोई बात नहीं, आज मैं तेरी सारी हैकड़ी निकालूंगा। तू क्या मेरी हैकड़ी निकालेगा? तेरे सारे पुलिस वाले भाग गए। अबे ये तो मुझे फंसा कर भाग गए, अब चालाकी से काम लेना पड़ेगा। जग्गा भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो मेरे भाई हो, मेरे रहते हुए आपको कोई परेशानी हो सकती है भला? अच्छा तू मजाक करेगा, मजाक करेगा तू, मजाक करेगा तू। हमारी तो मजाक चलती रहती है। हमारा तो ऐसा मजाक चलता ही रहता है। चलता रहता है। मजाक कर रहे थे ना? ले, ये भी मजाक है। और ये भी मजाक कर रही थी। सफाई सफाई, काम ही काम, तनख्वाह देने का नाम नहीं है। आज कह दूंगी, काम जब करूंगी जब मैं तनख्वाह दे दूंगी। चांदनी, सफाई हो गई? हाँ जी। बहन जी, 6 महीने हो गए तनख्वाह ना दिए सेठ जी ने अभी तक। तुम ऐसा करना, अभी तो सेठ जी सो रहे हैं, जब तुम जाओगी तो यहाँ एक बोर्ड लगा देना अपनी तनख्वाह लेने का। मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं लगा दूंगी। और सुनो, तुम खुद मत उठाना, जब सेठ जी अपने आप उठ जाए तो उठ जाने देना। ठीक है। हाँ ठीक है। बोर्ड तो आज मैं लगाऊंगी, तुम भी क्या याद रखोगे? बहुत दिमाग खराब कर रखा तुमने। मेरा नाम भी चांदनी ऐसे ही ना। पड़ोसी की भैंस का गोबर उठाना, मुझे उठाना गोबर, गोबर उठाना मुझे, पड़ोसी की भैंस का गोबर उठाना, उठाना मुझे गोबर। ओए, यही है मेरे पड़ोसी, इनका गोबर उठाता हूँ, अंदर से उठा देता हूँ गोबर। पहले गाय का उठा देता हूँ, बाद में भैंस का उठा दूंगा। इतना कर दिया गोबर, अरे मुझे सारा उठाना, सारा उठाना मुझे।
करके खाऊंगा, पूरा ढा दूंगा, सारा ढा दूंगा, ये ओए इतना गोबर ओए ये तो मुझे ऐठा देगा, ओ गोबर ढाना। बाजी इस इंसान ने भी दिमाग खराब कर रखा, थाने में मुझे चैन नहीं लेने देता और घर पे तुम्हें चैन नहीं लेने मैं देता। मैं तो शेख जी से बहुत ज्यादा परेशान आ गई हूँ। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कहीं भी कुछ भी करने लगते हैं। ये देखो ये क्या हो रहा है, ओबे गोबर है गाय का, गाय का गोबर है, भैंस का बाद में उठाऊंगा, बाद में उठाऊंगा। अरे हवलदार जी ये क्या हो रहा है, तुम्हारा बाद में नंबर आएगा, बाद में नंबर आएगा। भाईजान तुम ही समझाओ इन्हें, क्या करूं क्या करूं। ये देखो सारे गोबर में सने पड़े हैं। अबे पर उधर ना, ये क्या हो रहा, ये क्या है शेख जी, जब तुम्हें पता है सो के उठते हो तो भूल जाते हो, क्या तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा आज का? जो तूने लिखा होगा वही तो पढ़ा मैंने। ये पागलपन छोड़ो और कुछ तमीज सीख लो। तुम्हें तमीज सिखाएगा, तमीज सिखाएगा मुझे, तमीज सिखाएगा मुझे, तू मेरा साला है, मैं तेरे जी जाऊं, तेरी बहन को तमीज सिखा दूंगा। शेख जी चुप करो, भाईजान तुम भी चुप करो, चलो घर चलो, तुम भी फेंको इसे यहीं, पूरा नाक में दम कर रखा तुम्हारा, चलो अल्लाह ही मालिक है। बिल्कुल भी शेख जी तुम्हें शर्म नहीं आती, पूरे गांव में हमारी बेइज्जती करवा रखी है, जब तुम्हें बोर्ड लिख के देते हैं क्या तुम पढ़ते नहीं हो ठीक से, उल्टे सीधे काम करने लगते हो, सुधर जाओ तुम, मत बेइज्जती करवाओ पूरे गांव में हमारी, चलो अंदर। इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा, हर वक्त काम काम, बस सफाई सफाई सफाई, पैसे देने का नाम नहीं, चाय बनाने को रख दो पहले, आते ही चाय मांगेंगे, एक मिनट का भी चैन नहीं मेरे लिए तो। चलो सारे में बेइज्जती करवा रखी, हाथ धो यहाँ। अबे मेरे हाथ का गोबर में सने हैं। भाईजान जरा इधर आना, भाईजान शेख चिल्ली हवलदार का घर किधर है? आगे जाके उल्टे हाथ को मुड़ जियो। जी ये आंटी बैठी हैं, इनसे पूछती हूँ। आंटी शेख चिल्ली हवलदार का घर कौन सा है? ये आगे गली में जाते ही मुड़ जाइयो। ठीक है आंटी जी। इस तुर्रम खाने भी मेरा दिमाग खराब कर रखा है, उस दिन पकड़ा पकड़ाया छोटिया, आज इसकी बाजी से शिकायत करूंगी, या तो उसे पकड़ेगा या तो मैं ही इसे छोड़ दूंगी, बहुत दिमाग खराब कर रखा है अकेले ने। चुपचाप हाथ धो लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अबे तू यहाँ ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ, मगर आज मैं एक फैसला करने आई हूँ। भाईजान ये कौन है? ये नपीसा है, नपीसा। बाजी ये क्या बताएंगे, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपके इस भाई से प्यार करती हूँ और बहुत दूर से, कई जगह आपका घर पूछते पूछते आई हूँ। कोई बात नहीं, तू अपनी शिकायत बता, डरे मत। डरना तो है, जब पुलिस अपनों की हिफाजत नहीं कर सकती तो गैरों की क्या करेगी। क्या हुआ पूरी बात बता। मुझसे आज उस जगलहार ने फिर बदतमीजी की और कहा जा बुला कर ला, किसे बुला कर लाएगी। क्या ऐसा बोला वो? हाँ बाजी, मैं इस दरोगा साहब से ये कहने आई हूँ, या तो उस जगलहार को पकड़ ले, नहीं तो इस शहर को छोड़ दूंगी। शर्म आनी चाहिए भाईजान, एक घर में दो दो पुलिस वाले होते हुए इस लड़की की हिफाजत नहीं कर सकते, डूब के मर जाओ कहीं। मगर उससे चुप करो, अगर आज ये इलाका छोड़कर चली गई तो कल कोई और बहन भी जाएगी, और कल को तुम्हारी इस बहन को जग्गा डाकू उठा कर ले गया तब क्या करोगे? बाजी उसके खिलाफ तो कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखता पुलिस वाला। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, उतार दो ये वर्दी और याद करो वो अम्मी अब्बू की कसम जो उन्होंने दी थी तुम्हें, अब देखूंगी क्या करोगे उसके साथ। नफीसा नफीसा सुन तो सही। चली गई नफीसा, तुम जैसे पुलिस वालों से तो वो जग्गा लोहार ही ठीक है, उतार दो ये वर्दी, जल्दी चल तू भी अंदर को। अब तो हमारा जीना ही बेकार है, नाम को पुलिस वाले बने फिरे। जग्गा लोहार, अब तुझे मैं नहीं।
नहीं छोड़ूंगा। आज देखता हूँ कौन बचाएगा तुझे। आय हाय मेरी जान, रुक तो सही, अपना यू पेन तो लेती जा, मैंने यू बड़ा संभाल के रखा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा, आज मैं तेरा इलाज ही करवाती हूँ, जानू थाने में, हट नवाली। हाँ हाँ जा मेरी जान, जग्गा लुहार नाम है मेरा। मैंने कहा वहाँ जाके गलती तो नहीं करी। सर आपके जैसा बहादुर अधिकारी आज तक नहीं देखा हमने। सही बोला तू। सर तुर्रम का तो बहुत डरपोक इंस्पेक्टर है। हाँ ये तो बात है, बुझ दिले बुझ दिले। सर 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 यज्ञ भाई आप यहाँ कैसे, किसकी मौत आई है तुम्हारे दर्शन करवाने की? जगह भाई आप यहाँ, किसकी मौत आई है, किसने जरूरत की तुम्हें किरादा करने की? तक ये काम नहीं टपका, पूरा सीधा बल फाड़ दिया, कौन है वो, देखता हूँ किसकी मौत आई है। नौकरी छुड़वाएगा तो मेरी, गुस्सा करवाएगा तू, मरवाएगा तू मुझे, मरवाएगा। यू आर राइट सर, राइट को मार गोली। जगह भाई आप फिक्र न करो, जब तक हमें थाने में तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। इसे अंदर करते हो या नहीं? गुस्सा करेगा तू मेरे पे, गुस्सा करेगा, साला तू मेरा, मैं तेरा बहनों ही हूँ, तेरी बहन पे गुस्सा कर दूंगा। इसे अंदर करना है या नहीं? नहीं करता हूँ। देखो भाई आफत मोल ले ली तूने, आफत मोल ले ली। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा तुझे इंस्पेक्टर। चल बाद में देख ली। देख लूंगा तुझे, जाओ ले जाओ, डाल दो इसे हवालात में, कुछ दिन हवालात में रहेगा, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। हाँ जी, आज तो दावत है तुम्हारे घर में। कैसी दावत? तो जग्गा लुहार को शेख चिल्ली जी ने पकड़ लिया, पूरे पूरे पुलिस स्टेशन को उन पर गर्व है, आज तो बड़ी खुशी का माहौल है। कैसी दावत? आज तक मेरी तनख्वाह तो दीना, मुझ पे हुकुम और चलावे। हुकुम तो मेरे पे भी चलाते हैं शेख चिल्ली जी। हम दोनों की तो एक ही कहानी है। आज तो मैं जो कहूँ ना, आज उसके बोर्ड पे वोट लिख देना, फिर देखना मजे। चलो मजे लेते हैं, बताओ प्लान क्या। अच्छा ऐसे तो मैं करूंगी। ठीक है, मैं आशिक हूँ मुझे लड़की पटानी है आँख मारनी है आशिकी करता हूँ मुझे तो आशिक करनी है, लड़की पटानी है, हाँ मारनी है मुझे तो। शेख जी कहाँ चले गए? अरे चांदनी इधर आना। हाँ जी। शेख जी को देखा है कहीं? शेख जी हाँ, कहाँ चले गए? मैं खुद तुझसे पूछ रही हूँ, जा चल। अच्छा जी। ये भी पता नहीं किसके ख्यालों में खोई रहे, चल के देखती हूँ कभी कोई लफड़ा कर दे शेख जी, दिन छिपे पता नहीं कहाँ चले गए, इस आदमी ने जीना हराम कर रखा। ये कैसी हरकत कर रहा है? मैं लड़की पटानी है। क्या कहा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म कर रहा हूँ मैं, तुरंत खा से प्यार करती हूँ। पटानी है, हट जा हट जा हट जा। अभी आशिक को तोड़वाती हूँ तेरी, रुक जा। कोई है? कोई है? सुन रहा है कोई मेरी आवाज? बचाओ 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 बचाओ, कोई सुन रहा है मेरी आवाज? कोई बचाओ, मैं तुझे बाजी बचाओ, बाजी बचाओ। शेख जी ओए ओए रोजाना, तो आशिक बनेगा तू मेरा, आशिक बनेगा। ये क्या कह रही है वाह रोजाना, ये क्या कह रही है? मैं कोई आशिक वाशिक नहीं हूँ। ओए जा जा नबी से जा। ओए ये क्या कह रही है बहन जी? इनकी तो आदत ही ऐसी है, बार बार भूल जाते हैं, तुम इन्हें माफ कर दो। ले जाओ तो चलो, तुम्हारा आशिकी का भूत घर पे जाकर उतारूंगी। चलो जय हिंद सर। जय हिंद सर। हैं चक्कल और कहाँ है, हवालात खाली, कहाँ गया? सच्ची सच्ची बता दो वरना मुझ पे शक कर रहा। साला तू मेरा साला, ये मत भूल, साला तू मेरा तेरा बहन हूँ मैं, मुझ पे शक कर रहा, तेरी बहन पे शक कर दूंगा। शेख जी
ये कानून की बात है, जानते हो पूरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती हो जाएगी। सर मैंने भगाया उसको। ये बता तुझे कितने पैसे मिले उसे भगाने के? सर उसके आदमियों ने मेरे बीवी बच्चों को किडनैप कर लिया था, मैं उसे ना भगाता तो उन्हें मार देते। मैं कानून का गुनहगार हूँ, आप जो मुझे सजा दोगे वो मुझे मंजूर है, मैं कानून की निगाह में गुनहगार हूँ सर। बोल बोल, अगर ये उसे बाहर नहीं करता बीवी बच्चों को मरवा देता। इसकी बीवी बच्चों को मरवा दूं? जब इतने दिन बाहर रहा है और थोड़े दिन बाहर रह लेगा। तूने हम पे हमला किया, तुम्हारा साला। तो इसकी भावना को सुन, इसकी भावना समझ। ठीक है जगलहर, आज तो तूने मुझे इमोशनल कर दिया, पर कब तक बचेगा तू? आज ऐसा बोर्ड लगाऊंगी शेख जी, तुम भी याद रखोगे, मत दो तो मेरी तनख्वाह। मैं दूसरे की बीवी को अपनी बीवी मानूं, तुम भी याद रखोगे। आज बताऊंगी, या तो मेरी तनख्वाह देंगे ना तो ऐसी पंगे लेंगे। चांदनी। हाँ जी। खाना खाया? नहीं, मैंने अभी नहीं खाया। खा लेगी ना पक्का? हाँ खा लूंगी। चल ठीक है। अच्छा हुआ इन्होंने देखा नहीं तो मेरी पोल खुल जाती। जल्दी से अंदर दुबका दो। मैं दूसरे की बीवी को अपनी बीवी मानू, ठीक है? दूसरे की बीवी को अपनी बीवी मानता हूँ, ठीक है? मान लेता हूँ। टोपी पहन के चलता हूँ, ये ले। अबे सत्यवती, यहाँ सत्य दिखा रही है, तेरा सत्य देखता हूँ। अबे सत्यवती, कहाँ भड़ा के लेट रही है? बच्चे स्कूल गए नहीं गए? बस चाय बनाई नहीं बनाई? आरोमांच करेंगे सत्यवती। आजा जी, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसी बातें कर रहा हूँ? मैं अपने कसम से कह रही हूँ, कैसी बातें कर रहा हूँ? अपने कसम को पहचान नहीं रही? हाँ कमरे में चल, रोमांस करेंगे। क्यों कर रहे हो शेख जी, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। अबे मजाक बतला रही है, अपने कसम से मजाक बतला रही है। आज चलते हैं, चल नोते की आरा। तू सत्यवती, मैं हूँ आवारा, वक्त खराब ना करिए हमारा। अजय सुनते हो? अबे सुनते रहा हूँ। बोल 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 बुल बुल बोल, क्या बोल रही है बोल। छोड़ो बच्चों को, बीच मत लाइए। चुम्मा दे दे चुम्मा। छोड़ो मुझे। अबे दे दे चुम्मा, दे दे। चल कौन है तू मेरे घर में? आ, मेरे घर में क्या कर रहा? मेरा घर ये मेरी बीवी है। अबे तू कितना पागल आदमी है, मेरी बीवी को अपनी बीवी बतला रहा? बताऊं क्या मैं? ना भी चला जाएगा दो लाख दी बाहर। हैं थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। थाने बंद करेगा? हाँ। मारो सुनो पापा, मारो इसे। किस लिए तुम पकड़ तुम और मारो। अबे भाभी भाईजान, जा चला जा घर, चला जा अपने, जा। रुखसाना की शर्म कर रहे हैं, वरना तोड़ के फेंक दे तुझे मैं। ओ भाई साहब गलती होगी, भाभी गलती होगी, माफ कर दो। चले ऐसे अकड़ रहे हा? ओए निकल लो, कभी साले धैकनी से पार कर दे। इसकी शिकायत करो थाने में जाके। अबे छोड़ क्या फायदा, ये कैसे? इसे बीमारी है, भूल जाता है। कह दूंगा थाने में जाके, अरे इसका साला है इंस्पेक्टर तुर्रम खान। लेकिन रुखसाना को तो कहूंगी मैं। क्या फायदा, अरे भूलने की बीमारी है इसे। अरे इसका साला है इंस्पेक्टर तुर्रम खान। और कल को कुछ और कर दिया तो इसने आके? नहीं करेगा, मैं जानता हूँ। चल सो जा, मुझे भी जगा दिया। दिमाग सड़ा दिया। चांदनी बर्तन ठीक से साफ करा कर, रोज शिकायत मिलती है तेरे बर्तनों में। और ये डिब्बे वब्बे भी साफ कर लिए? कभी बर्तन साफ करो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, काम नहीं निपटता। इतना कहने के बाद भी काम ठीक से नहीं करती है, और ये देखो कफ भी साफ नहीं कर सकती ठीक से। जिस दिन मुझे कोई ठीक से मिलगी ना, इसे हटा ही दूंगी,
कितनी भी कह ले रखूंगी नहीं। शेख जी भी कहेंगे ना तब भी नहीं रखूंगी। गंदगी ना लग जाए कहीं भी, तुरंत साफ करो। ऐसा तो हमने कहीं ना देखा, जरा जरा इस देर में पोछा लगवा मैं। ये देखो कैसे मरतीले मरतीले से हाथ चला रही है। ये देखो दूध भी इतना सही है, बता नहीं सकती। अगर कोई मेहमान आ जाए तो कहाँ से चाय बना के देगी ये, कहूंगी इससे। रना, रना, आ कहाँ पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है, निकल बाहर। शेख जी, अबे कुछ खाना बना तो दे दे। शेख जी, अभी खाना नहीं पका, तुम्हें भाईजान ने अर्जेंट में बुलाया, चले जाओ। जाओ में बुलाया? हाँ, खाना वहीं खा लेना। ठीक है, वहीं खा लूंगा। भाई की तरह बोल रही है। तू भी इनके सामने बहुत सफाई वाली बने, जाओ उधर को लगा ले झाड़ू। पुलिस, ओ बेटा। पकड़ो वो गया ऊपर। जा जा। अबे अबे कहाँ गया? इधर रास्ता बंद है। कूदो कूदो। भाईजान, ये जगह खतरे से कम नहीं है, थोड़ा ध्यान से रहना। पकड़ो। यहाँ तो आगे तो रास्ता ही ना है, पीछे चलूं।
ये तो यार लिए मैं यहीं से कूद जाता हूँ। भागने की कोशिश मत करिए वरना तेरी खोपड़ी खोल देगा। तेरी भागने की कोशिश नाकाम रही। चल ये तेरी असली जगह। रामजादे तेरी चर्बी सारी ढीली कर दूंगा अभी। बहुत देखे आराम चाहते इसमें कोई नजर नहीं मार सकता। तू उसमें हाथ डाल रहा पैर छीन रहा। उठ खड़ा ऊपर सारे मैं तो अपनी आवाज बोल गया। इंस्पेक्टर तुम मुझे कितना ही मार लो मेरे आदमी मुझे दो घंटे में छुटा के ले जाएंगे। छुटा देंगे देख लूंगा तुम सबको। देख लूंगा तुम्हें। देख ये ना तेरा आदमी जिन्हें तो कहता था दो घंटे में छुटा लेंगे ये। देख नजर उठा के देख ये भी खुद अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं। हाँ तू जेल में रहने के बाद सब भूल जाएगा। ये हाहाकार ये दंगे। शेख जी चालान भरो इसका और बंद करो इसे। चालान भरवाएगा? चालान मैं भरूंगा। हुक्म देगा तू मुझे? साला तू मेरा भूल मत। तेरा जीजा हूँ तेरी बहन का चालान भर दूंगा। मेरा कहने का मतलब है इसे बंद करो। चल चार दिन जेल में रहेगा सब भूल जाएगा साले। गर्लफ्रेंड भी छेड़ेगा। ले यहाँ साइड। चल तू भी आज तेरा भी फैसला आज करवाई दूंगी। बहुत दिन हो गए सुनते सुनते। जा रहे हो डॉक्टर साहब थाने में जा रहे हैं जरा जी। और नबीशा? हाँ हाँ मैं भी थाने में जा रही हूँ। जाओ वैसे तो खैरियत है। रिपोर्ट भी लिखवानी है और चालान भी करवाना है। ठीक है जाओ। चल नबीशा आगे को। इंस्पेक्टर देख लूंगा तुझे। ये बाहर निकले का तब ना पूरे इलाके में बदतमी दिख रखी है साले ने। गुंडागर्दी फैला रखी है लड़कियों को छेड़ रहे हैं ज्यादा ही हद हो गई। हवलदार शेख चिल्ली इसका चालान भरो। चालान भरवाएगा? मेरे से चालान भरवाएगा तू? साला तू मेरा चालान भरवाएगा तेरी बहन का चालान भर दूंगा। शेख जी जग्गा का चालान तो तुम भरोगे और भाईजान का चालान भरने के लिए मैं नफीसा को लेकर आई हूँ। बाजी तुम और नफीसा? हाँ भाईजान सब जानती हूँ मैं। नफीसा शादी कर ले नफीसा से। साला तू मेरा साला है। मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ नफीसा शादी कर ले वरना तेरी बहन को छोड़ दूंगा मैं। भाईजान नफीसा से शादी कर लो इसका साथ ना छोड़ दियो नहीं तो ये मेरा साथ छोड़ देंगे। तो अब हम पेशकश कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब बनता है कर दो भाईजान। आपका भाई शेख चिल्ली कह रहा एक सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो कमेंट भी कर दो ठीक है कर दिया।